मुख्तार अंसारी के बाराबंकी में रजिस्टर्ड प्राइवेट एम्बुलेंस के प्रयोग के मामले में पुलिस ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। पुलिस की ओर से 4 टीमें बनाई गई हैं, इनमें से 2 टीम मऊ पहुंची हैं और 2 टीमें पंजाब पहुंची हैं। इस मामले में शासन लगातार निगरानी कर रहा है, डीजीपी स्तर से लगातार फॉलोअप भी हो रहा है। बताया जा रहा है कि माफिया और विधायक मुख्तार अंसारी के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिल गए हैं। एसपी के मुताबिक माफिया और विधायक मुख्तार अंसारी के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिल गए हैं। एम्बुलेंस की खरीद पर मुख्तार अंसारी व उनके गुर्गों ने ही कार्रवाई और उसका लगातार प्रयोग भी कर रहे थे। हाथरस कांड की आड़ में हिंसा फैलाने की साजिश के मामले में पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के सदस्यों पर शिकंजा कसता जा रहा है। साजिश के आरोप में पकड़े गए पीएफआई के 8 सदस्यों के खिलाफ एसटीएफ ने कोर्ट में करीब 5000 पेज की चार्जशीट दाखिल की है। शनिवार को मथुरा जेल में बंद 5 आरोपियों को पेशी के लिए कोर्ट लाया गया। वहीं लखनऊ जेल में बंद 2 आरोपियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उपस्थिति दर्ज कराई गई। आरोप पत्र दाखिल होने के बाद कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 1 मई की तारीख दी है। कोरोना संक्रमण के कारण हालात संवेदनशील बने हुए हैं। देश के कोने कोने तक वैक्सीन पहुंचाने के लिए सरकार ने कई तरह की छूट दी है। पुलिस भी ऐसे वाहनों को नहीं रोकती, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व इसी ढिलाई का फायदा उठा रहे हैं। हापुड़ देहात थाना पुलिस और एसओजी ने एक गैंग को पकड़ा है जो कोरोना वैक्सीन की आपूर्ति के बहाने शराब तस्करी किया करता था। जिस गाड़ी से अवैध शराब की तस्करी हो रही थी उस पर भारत सरकार जन औषधि लिखा था। गाड़ी में पीएम जन औषधि का पत्र और आयुष मंत्रालय का पास भी मिला है। पूरे मामले में 5 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। इस शराब की सप्लाई पंचायत चुनाव में होनी थी। यूपी में कोरोना संक्रमण की नई लहर ने रफ्तार पकड़ ली है। रोजाना नए केस सामने आ रहे हैं। यूपी सरकार की ओर से शनिवार 3 अप्रैल को जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक यूपी में कोरोना संक्रमितों के 3290 केस सामने आए। इनमें से राजधानी लखनऊ से आए संक्रमितों की संख्या इस साल की सबसे अधिक संख्या पाई गई। शनिवार राजधानी से 1041 नए कोरोना केस सामने आए। वहीं 6 लोगों ने कोरोना से दम तोड़ दिया। यूपी के फर्रुखाबाद में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। बवाल करने वाले लोगों से 5,00,000 रुपए तक का जुर्माना वसूला जाएगा। वहीं हर गांव में उपद्रव करने वालों की सूची बनाई जा रही है। अभी तक लगभग 4200 लोगों को नजरबंद किया गया है। वहीं हंगामा करने वालों की संपत्ति से भी जुर्माने की रकम वसूली जाएगी।